देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कल से देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की धूम देखी जा सकती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। पंचांग के अनुसार ये शुभ तिथि तो कल से ही शुरू हो गई है और आज भी शाम तक जारी रहेगी, लेकिन आज उदया तिथि होने के कारण मथुरा वृंदावन से लेकर देश के तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लिहाजा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, स्कॉन टेम्पल और दिल्ली मुंबई से लेकर तमाम जगहों पर श्री राधा कृष्ण मंदिरों में आज किशन कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारियों की रौनक देखी जा सकती है। इस सिलसिले में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज तड़के मंगला आरती की गई। वहीं दिल्ली और नोएडा में स्कॉन मंदिर में भी सुबह सुबह मंगला आरती और तुलसी आरती में भक्तों ने हिस्सा लिया। देश के दूसरे इलाकों में भी राधा कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी पर कल से ही देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की रात में हुआ था, इसलिए बहुत से लोग और खासतौर से गृहस्थों ने कल यानी 6 तारीख को ही जन्माष्टमी मना ली। लेकिन आज उदया तिथि है, यानी कि सूर्योदय के वक्त अष्टमी तिथि है, इसीलिए उदया तिथि की परंपरा के मुताबिक देश के ज्यादातर मंदिरों में आज ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वैष्णव परंपरा में उदया तिथि का खास महत्व है, लिहाजा वैष्णव पंथ को मानने वाले लोग और साधु संत ही आज जन्माष्टमी मनाएंगे। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों सहित देश में बहुत सी जगहों पर दही हांडी फोड़ने का उत्सव भी आज ही मनाया जाएगा। तो आमतौर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद जो भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं वो आज हम देख पाएंगे। हालांकि मुंबई के कुछ इलाकों में कल भी देर रात दही हांडी फोड़ने की जोर आजमाइश की, जबकि मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव की झांकियां आज रात में देखने को मिलेंगी। तिथियों के कारण हेरफेर के वजह से ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन उत्सव का मौका है तो आम लोगों के लिए ये अवसर हर्षोल्लास का है। और ब्रजमंडल की बात करें तो वहां देश के कोने कोने से लोग कान्हा के जन्मदिन में पहुंचे हैं। कल से ही लोग कान्हा के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में खास तरह की सजावट की गई है और जगह जगह कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। अब ये देखिए, 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर धूम मची हुई है। पहली तस्वीर आप भुवनेश्वर से देखेंगे। मंदिरों में साज सजावट की गई है, श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही है। अगली तस्वीर मुंबई से सामने आई, स्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हरि बोल के जयकारे हर तरफ स्कॉन में लगते हुए आज आपको सुनाई देंगे। और आखिरी जो तस्वीर है संदीपनी पाठशाला की है, उज्जैन से तस्वीरें सामने आई है जहां पर कृष्ण भक्ति में आज हर कोई रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। खास तरह की पोशाकें, खास तरह के पकवान भगवान के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके साथ साथ इस बार मुहूर्त की वजह से भी 2 दिन जन्माष्टमी मनाई गई। कुछ लोगों ने कल मनाई और कुछ लोग आज मनाने वाले हैं। हालांकि मथुरा वृंदावन की बात करें, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, तो वहां पर आज रात में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म कराया जाएगा। वहां की अपनी एक अलग परंपरा है और उसी परंपरा के आधार पर जहां कामधेनु गाय के साथ अभिषेक होता है कृष्ण का, और उसके बाद पंचामृत से अभिषेक के बाद आरती की जाती है। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन देश भर के अलग अलग हिस्सों में नन्हे नन्हे लड्डू गोपाल को सबने अपने घरों में तैयार किया है, सजाया है, सवारा है, और उसके बाद पूजा का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। जिन लोगों ने कल जन्माष्टमी मनाई है वो आज के दिन जन्मोत्सव मनाएंगे, और जिन्होंने आज जन्माष्टमी मनाई है वो कल नंदोत्सव मनाते हुए नजर आएंगे। कुछ जगहों पर दही हांडी की भी परंपरा मानी जाती है और उसकी कुछ तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर आप लगातार कल से देख रहे हैं। और हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, मंदिरों में कितना अद्भुत नजारा है, मनीष हमें दिखाएंगे। मनीष दिखाइए, आप कहां पर मौजूद हैं और बताइए किस तरीके की तैयारी है जन्मोत्सव को लेकर। देखिए, इस वक्त मैं नोएडा के स्कॉन टेम्पल में हूँ और यहाँ पर उत्सव एक तरीके से शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको नीचे हॉल के दिखाता हूँ कि जो हॉल है वो पूरा भर चुका है। हालांकि दरबार अभी बंद है, अभी यहाँ पर कीर्तन चल रहे हैं, अभी यहाँ पर सत्संग चल रहा है और इसके बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास दरबार को खोला जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ कि आज सुबह से ही कैसा उत्साह का माहौल, कैसा उत्सव का माहौल इस जगह पर बना हुआ है। जो हॉल है उसमें तमाम लोग आप बैठे हुए देख रहे हो, यहाँ पर अभी भी कदम रखने की जगह नहीं है। सोचिए जैसे जैसे दिन की शुरुआत होगी, दिन आगे बढ़ेगा, तब यहाँ की तस्वीरें कैसी होंगी। तैयारी यहाँ पर लगभग पूरी है। पूरे मंदिर को आप देखिए, फूलों से सजाया गया है। ये फूल बहुत ही महत्वपूर्ण है,
ना सिर्फ नोएडा, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से फूल मंगवाए गए हैं। 256 तरह का भोग आज भगवान को लगाया जाएगा और साथ ही साथ पूरे दिन यहां पर इस्कॉन टेंपल का जो रॉक बैंड है वो हरे कृष्ण हरे रामा का जो जाप है वो लगातार वो करते रहेंगे। तस्वीरें यहां से आज बेहद रोमांचक होने वाली है और सुबह का ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ बता दूं कि आज इस्कॉन टेम्पल में हर साल लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन भी बेहद मुस्तैद है। बाहर ट्रैफिक डायवर्जन किया जा चुका है, जो रूट डायवर्जन है वो हो चुका है। बाहर किस तरह का इंतजाम है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से कि आप देखिए ये जो पूरा रास्ता है ये बैरिकेडिंग कर दिया गया है। यहाँ पर लाइन्स के लिए जगह बनाई गई है, रोड को भी उस तरफ बंद किया गया है और आज दिन भर इसी तरह से डायवर्जन होगा। तो जो लोग इस तरफ आ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जानना कि आप समय लेकर आए क्योंकि मंदिर तक पहुंचने में आज आपको ज्यादा वक्त लगने वाला है। मंदिर के बाहर कई जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा समस्या हो सकती है। जो ऑथराइज पार्किंग आज के दिन के लिए बनाई गई है वहीं पर सिर्फ लोग अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान श्रद्धालुओं को रखना होगा। भीड़ में आपको मंदिर के अंदर दिखा चुका हूं, हॉल में बाहर भी आप देखिए लगातार लोगों का आना शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं लेकिन 8:30 बजे दरबार खुलेगा और दरबार खुलने के साथ ही फिर वो दरबार रात 12:30 बजे तक खुला रहेगा। लोगों का आना जाना यहां लगा रहेगा, उत्सव का माहौल लगातार बना रहेगा। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे लेकिन फिलहाल जन्माष्टमी की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल आने की तो पटाफट बिल्कुल कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। लेकिन इस वक्त लोगों की श्रद्धालुओं की आस्था सबसे ऊपर है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए मनीष श्रद्धालु जरूर पहुंचेंगे अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए और वो इतने सुबह में भी मंदिर में किस तरीके से भीड़ है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है।